सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो फॉर गाइस शॉर्ट्स। सो गाइस यार मेरे को पता है कि बहुत दिनों से वीडियो जो है काफ़ी लेट आ रहा है, तो रीज़न लेट वीडियो आने का ये है कि अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। बट ये जो है काफ़ी सिंपल सा एक वीडियो है, इसलिए मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे पास कुछ आर्ट मटेरियल्स नए आए हैं, तो उन्हीं आर्ट मटेरियल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स हैं एंड मेरे पास आई थिंक 5, 6, 7, 8, 9, 10 आर्ट मटेरियल्स आ गए हैं, उन्हीं आर्ट मटेरियल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, इस शक्ल को पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट से डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो फटाफट से वीडियो लाइक करो। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ब्रीफली अभी थोड़ा करके मैं दिखाता हूँ, सिर्फ नाम बताता हूँ कि क्या क्या मेरे पास आर्ट मटेरियल्स अभी आए हैं, उन्हीं आर्ट मटेरियल्स का भी दिखाता हूँ एंड फिर बाद में उसको ब्रीफ थोड़ा सा और इन अ लॉन्ग प्रोसेस में आपको समझाता हूँ कि वो आर्ट मटेरियल्स कौन कौन से हैं एंड उनके जो यूजेस हैं वो आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अभी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है ये वाला एक मैकेनिकल पेंसिल, जो कि ये कुछ इस तरह का है, ये 0.7 का मैकेनिकल पेंसिल है एंड ये कुछ इस तरह से है देखने में एंड बहुत ज़्यादा क्यूट सा ये मैकेनिकल पेंसिल है। एंड जब इस पर आप गौर करोगे तो नॉर्मली जो पेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर साइड में ऐसे करके पुश करके फिर निकालने वाला होता है यहाँ पे लेड, बट इसका लेड निकालने वाला है यहाँ से। जब आप इसको यहाँ से पुश करोगे इस तरह से, तब देखो यहाँ से इसका लेड बाहर आता है ये वाला एंड पुश करके फिर अंदर डाल दो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इरेजर एज यूजुअल, बट ये वाला इरेजर जो है ये यहाँ से इस तरह से खुलता है एंड उसके बाद ये वाला घूमता भी इस तरह से, तो ये बहुत ही बढ़िया है इसका। तो इसीलिए यही कारण है कि मेरे को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये वाला मैकेनिकल पेंसिल। तो देख लो कि ये कुछ किस तरह का है। एंड उसके बाद एक ये नटराज का रेड कलर का पेंसिल, जो कि ये पूरा रेड कलर का है इसके अंदर का लेड। उसके बाद एक मार्कर जो कि है ब्लैक कलर का, ये वाला नॉर्मल सिंपल सा एक मार्कर है। उसके बाद एक डोम्स का ये पेपर फ्रेंडली डार्क पेंसिल, ये वाला ब्लैक कलर का बहुत सही लगता है। एंड उसके बाद एक ये वाला पेंसिल एक्सटेंडर, जो कि है ये वाला, जिससे कि आप पेंसिल को एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। एक मैकेनिकल टूल है, तो इसका जो है बेसिक यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास सपोज़ कि एक कोई भी पेंसिल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा छोटा पेंसिल है, इसको हम हाथ से इसी तरह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम लोग इसको यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एक यहाँ पे इसका एंड होता है, उसमें इस तरह से हम इसको डालते हैं एंड उसके बाद जो है हम यहाँ इसको यहाँ क्लिप कर देते हैं, उसके बाद जो है ये वाला जो पेंसिल है ये मूव नहीं करता। तो ये वाला जो है पेंसिल एक्सटेंडर, ये अब लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेंसिल है, इसको हम अब इजीली कैसे भी करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे 3 सेट का एक जेली रोल पेन, जो कि है वाइट जेल पेन एंड ये जो है ये इसमें टोटल 3 है, एक 0.5 का है, 0.3 का है एंड 0.4 का है, ये देख लो 3। एंड उसके बाद ये है डोम्स का 12 शेड्स का ये वैक्स क्रेयॉन्स, ये वाला नॉर्मल सा वैक्स क्रेयॉन्स है, तो बट नॉर्मल चीज़ों से ही बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक एंड बहुत ही अमेजिंग से आर्टवर्क्स बनाने की ट्राई करेंगे आगे इन फ्यूचर गाइस। इन्हीं सब मटेरियल्स आर्ट मटेरियल्स का यूज़ करके मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया आर्टवर्क्स लेके आऊँगा, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज लेके आऊँगा, बट फिलहाल तो थोड़ा सा वेट करना। उसके बाद है ये वाला डोम्स का, वो ये वाले थे डोम्स के क्रेयॉन्स, बट ये वाले हैं 12 शेड्स के डोम्स के ऑयल पेस्टल्स, जो कि है कुछ ये देखने में इस तरह से। इसमें जो है 12 शेड्स के ऑयल पेस्टल डोम्स के 12 शेड्स का ये है एंड ये वाला जो है मेरे पास कुछ दिन पहले ही आया था, तो इसके साथ हम लोग बहुत सारे कुछ आर्टवर्क्स बनाएंगे। एंड उसके बाद है एक डोम्स का एक नॉर्मल सा ये स्केल 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद एक डोम्स का ही पेंसिल शार्पनर छोटा सा नॉर्मल सा एंड नॉर्मल सा एक है ये वाला इरेजर। तो चलो गाइस अभी जो है इन सारे जो आर्ट मटेरियल्स हैं मेरे पास कुछ दिखाता हूँ। तो अभी जो है मेरे पास कुछ इतने आर्ट मटेरियल्स नए आए हैं। सो गाइज मैंने जितने भी मेरे आर्ट मटेरियल्स थे उनके बारे में तो आपको बता दिया एंड डिटेल में एंड उन सारे आर्ट मटेरियल्स को दिखा दिया
एंड उन सब के यूजेस मैं आगे भी इस यूट्यूब चैनल पे उन सभी की वीडियोस लेके आऊँगा एंड उन सब का ट्राई हम लोग करेंगे। बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स हैं मेरे पास, तो अभी मेरे पास बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स जमा हो गए हैं बट टाइम नहीं है इतना कि उतना ज़्यादा वीडियोस बना पाएँ। बट कोई बात नहीं, आगे इस तरह की एग्जाम्स खत्म होने के बाद वीडियोस बनाएंगे एंड बहुत ही धमाकेदार वीडियोस बनाएंगे, तो उन वीडियोस का वेट जरूर करना। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं जल्दी इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। छोटा उसको हाथ में पकड़ के इस तरह से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसी वजह